हेलो माय लव, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि कल मैं गई थी वाटर पार्क एंड इस वजह से मेरे हेयर और स्किन हो गए पूरी तरह से डैमेज। मेरे को हो गई है टैनिंग, पूरी स्किन डार्क हो गई है एंड यहाँ मैंने बैंड पहने होते तो यहाँ का कलर देखिए और ये कलर देखिए, कितना डिफरेंस है। एंड इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ स्किन डैमेज, हेयर प्रॉब्लम्स ड्यू टू क्लोरीन वाटर और स्विमिंग पूल वाटर। गाइज, आप लोग जानते होंगे क्लोरीन जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है, इसीलिए पब्लिक पूल में और स्विमिंग पूल में उसको डाला जाता है। एंड कुछ पूल्स में कम अमाउंट में डालते हैं, कुछ पूल्स में काफ़ी अमाउंट में डालते हैं, तो आप उसको स्मेल भी कर सकते हो। तो क्लोरीन बैक्टीरिया को तो किल करते ही करता है, उसके साथ साथ आपकी स्किन को, हेयर को भी डैमेज कर देता है। तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल। गाइज, आपको क्या करना है, जब भी आप वाटर पार्क में जा रहे हो या फिर पूल में जा रहे हो तो आपको उससे पहले अपनी स्किन पर, अपनी बॉडी पर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, लोशन, ऑयल या फिर सनस्क्रीन लगा लेनी है, जिससे क्या होता है कि क्लोरीन के स्किन में अब्जॉर्ब होने के कम चांसेस हो जाते हैं। एंड मैंने जाने से पहले मैंने भी सनस्क्रीन लगाई थी, इसीलिए मेरी स्किन में उतना इफेक्ट नहीं हुआ है, वरना तो बहुत ज़्यादा ही ब्लैक हो जाती है स्किन। एंड वाटर पार्क से आने के बाद आप लोगों को ये होम रेमेडी ट्राई करनी है जो 100% वर्क करती है, जिससे आपकी जो भी स्किन हेयर डैमेज हो गए हैं वो रिकवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी बॉडी क्लियर मास्क। सबसे पहले हमें चाहिए होगा बेसन। हम लेंगे 2 टेबल स्पून बेसन, जो कि स्किन वाइटनिंग में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा मिल्क। हम लेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क। मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, जो कि स्किन का जो भी कालापन है उसको निकालने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लेंगे हल्दी। हम लेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी हमारी स्किन में ग्लो वापस लेकर आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसको ना थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट ही बनाएंगे। पूरी बॉडी पे लगाना है तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हो। चलिए अभी इसको लगाते हैं। आप चाहो तो पूरी बॉडी पे लगा लो। इसको लगाने के बाद हम इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देंगे। 15 to 20 मिनट्स तक ये सूख जाएगा एंड देन हम वॉश कर लेंगे। ये सूख रहा है तब तक हम फेस मास्क बना लेते हैं। फेस मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 आलू। मैंने ये साइज़ का लिया है तो मैं ये पूरा आलू डालूंगी एंड अगर आप बड़े साइज़ का लेते हैं तो आप उसका हाफ ले लीजिएगा। तो अभी हम इसको करने वाले हैं कद्दूकस। तो मैंने कर लिया आलू को कद्दूकस। आलू में पाई जाती है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, विटामिन सी एंड ऑल्सो ये हमारी स्किन लाइटनिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा 1/2 लेमन। हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा फेस मास्क रेडी है एंड हम इसको लगाएंगे क्लीन फेस पर। तो अभी हम
इस मास्क को अपने फेस पर 5 मिनट तक के लिए रख देंगे एंड देन हम फेस को वॉश कर लेंगे एंड आपको फर्स्ट ट्राई में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड आप चाहो तो वीक में आप 2 से 3 बार इसको लगा सकते हैं। ओके, तो ये सूख चुका है तो अभी हम इसको साफ़ करेंगे। पहले हम इसको ऐसे ही रब करेंगे फिर हम वॉश कर लेंगे। सी द रिजल्ट गाइस, रेडनेस भी काफ़ी हद तक कम हो गई है एंड एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया मेरे हैंड। तो अभी टाइम है फेस को वॉश करने का। मैंने बोला था ना आपको गाइस, एक बारी में ही आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सी मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है एंड अभी आप एक बार और लगाएंगे तो आपकी स्किन वही पुरानी वाली स्किन वापस से लौट आएगी, इनफैक्ट और ज़्यादा स्किन ग्लो करेगी, है ना अच्छी रेमेडी। ओके, तो हमने हमारे फेस को भी ठीक कर लिया, हमारी बॉडी को भी ठीक कर लिया, तो अभी बारी है हमारे हेयर को ठीक करने की। गाइस, ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट रेमेडी होने वाली है। ऑल यू हैव टू डू इज आपको लेना है 1/2 कप ऑफ वाटर एंड उसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये किसी सॉल्यूशन की तरह नहीं लग रहा है, ये आपके बालों से क्लोराइड को अच्छे से रिमूव कर देगा। सॉल्यूशन को कुछ देर तक के लिए ऐसे ही हमारे बालों पर छोड़ देंगे सो दैट हमारे बाल इसको अच्छे से सोक कर लें एंड देन हम हमारे हेयर को अच्छे से वॉश कर लेंगे एंड आपका जो भी हेयर केयर रूटीन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने मेरे बालों को अच्छे से वॉश कर लिया एंड सारा का सारा क्लोराइड मेरे बालों से जा चुका है, क्योंकि जब भी मैं हेयर वॉश कर रही थी ना तो ना कुछ स्टिकी स्टिकी सा फील हो रहा था, दैट मीन्स सॉल्यूशन ने अच्छे से मेरे बालों पर वर्क किया है। एंड आप भी ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके भी वाटर पार्क से आने के बाद या स्विमिंग पूल में जाने के बाद आपकी स्किन डैमेज हो गई, हेयर डैमेज हो गए, तो ये रेमेडी आपको 100% वर्क करेगी। एंड आई होप आप लोग ये वीडियो हेल्पफुल रहा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।